वालेकुम थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। थर्ड क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, अ पिकनिक ऑन द बीच, हाफ चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट हाफ हम आज पढ़ने लगे हैं। मैं ट्रांसलेशन करने लगी हूँ, आपने गौर से सुनना है। पेज नंबर 39 ओपन करना है आपने। द टू गर्ल्स ले डाउन ऑन द हॉट सैंड एंड वेंट टू स्लीप। दोनों लड़कियाँ गर्म रेत पर नीचे लेट गईं और सो गईं। उमर एंड मारूफ हैड ड्रिंक एंड देन रेन इनटू द सी। उमर और मारूफ ने पानी पिया और समंदर की तरफ भागे। डज द वाटर फील कोल्ड, क्या पानी ठंडा महसूस होता है? ज़िया शाउटेड, ज़िया चिल्लाया। नो, नहीं, मारूफ शाउटेड, मारूफ चिल्लाया। इट फील्स वार्म, ये गर्म महसूस होता है। कम इन विद अस, हमारे साथ इसमें आओ। द थ्री बॉय स्वैम एंड प्लेड अंटिल 12 o'clock। तीनों लड़के तैरे और 12 बजे तक खेले। Then they began to feel tired, जब उन्हें थकावट महसूस होना शुरू हुई। They felt hungry too, उन्होंने भूख भी महसूस की। Let's wake the girls, आओ लड़कियों को जगाएं। Said मारूफ, मारूफ ने कहा। No, नहीं, said उमर, उमर ने कहा। Let's make a fire, आओ आग जलाएं। And cook the food, और खाना पकाएं। Then फिर we can wake the girls, हम लड़कियों को जगा सकते हैं। उसके बाद मैंने उसी चैप्टर में से कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैं रीड करने लगी हूँ, आपने सुनने हैं। स्लीपी, नींद, फील, महसूस करना, ले डाउन, नीचे लेट गई, हॉट, गर्म, सैंड, रेत, ड्रिंक, पीना, रेन, भागा, शाउटेड, चिल्लाया, स्वैम, तैरे, बिगेन, शुरू हुआ, टायर्ड, थका हुआ, हंगरी, भूखा, वेक, जागो, फूड, खाना। इन्हीं वर्ड्स में से मैंने नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके सेंटेंसेस बनाए हैं। फील, महसूस करना, आई फील थर्स्टी, मैं प्यास महसूस करता हूँ। ड्रिंक, पानी, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। हंगरी, भूखा, दे फेल्ट हंगरी, उन्होंने भूख महसूस की। फूड, खाना, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। स्लीपी, नींद, आई फील स्लीपी, मैं नींद महसूस करता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने चैप्टर नंबर 10 ओपन करना है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपने बुक से देखने हैं, आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के आपने याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज द हॉलीडे, छुट्टी कब थी? लास्ट मंडे वाज हॉलीडे, पिछले सोमवार छुट्टी थी। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू डू, बच्चों ने क्या करने का फैसला किया? द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक ऑन द बीच, बच्चों ने साहिल समंदर पर तफरी का फैसला किया। व्हाट डिड मिसेस शाह गिव देम, मिसेस शाह ने उन्हें क्या दिया? मिसेस शाह गिव देम अ बैग ऑफ फूड, मिसेस शाह ने उन्हें खुराक का एक थैला दिया। When did they reach the beach? वो साहिले समंदर पर कब पहुँचे? They reached the beach at 10 o'clock. वो 10 बजे साहिले समंदर पर पहुँचे। What looked beautiful? क्या खूबसूरत दिखता था? The sun looked beautiful. सूरज खूबसूरत दिखता था। Hot? किसने गर्मी महसूस की? उमर felt hot. उमर ने गर्मी महसूस की। Who felt thirsty? किसने प्यास महसूस की? मारूफ felt thirsty. मारूफ ने प्यास महसूस की। Who felt sleepy? किसने नींद महसूस की? ज़ेब felt sleepy. ज़ेब ने नींद महसूस की। What did the girls do? लड़कियों ने क्या किया? The girls lay down and went to sleep. लड़कियां नीचे लेट गईं और सो गईं। Who swam in the sea? समंदर में कौन तैरे? Three boys swam in the sea. तीन लड़के समंदर में तैरे। Did the water feel cold? क्या पानी ठंडा महसूस होता है? No, the water felt warm. नहीं, पानी गर्म महसूस होता है। Who felt tired and hungry? किसने थकावट और भूख महसूस की? The boys felt tired and hungry. लड़कों ने थकावट और भूख महसूस की। Who wanted to wake the girls? लड़कियों को कौन जगाना चाहता था? मारूफ wanted to wake the girls. मारूफ लड़कियों को जगाना चाहता था। ये आपने याद करना है अच्छे तरीके से, और आपने होमवर्क में एप्लीकेशन लिखनी है टू अटेंड मैरिज पार्टी, जो आपको पहले कराई गई है, आपने उसको होमवर्क में लिखना है और फ्राइडे को स्कूल में जमा करवाना है, और अच्छे तरीके से चैप्टर भी, क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। शुक्रिया।